तीसरा नेत्र यानी थर्ड आई, जिसने शिव को देवों के देव बना दिया। सिर्फ शिव ही नहीं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहाँ तक कि चीन के ताओ धर्म की पौराणिक तस्वीरों में भी तीसरी आंख का जिक्र हुआ है। तो क्या यह तीसरी आंख किसी की कल्पना है या इंसानों से जुड़ा कोई ऐसा रहस्य जिसे आप और हम आज तक नहीं समझ पाए? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां हैं, जिनका काम भी अलग अलग होता है। वैसे तो अपने अपने स्थान पर सभी ग्रंथियों का महत्व अलग अलग है, पर इन सभी ग्रंथियों में मास्टर विराजमान है, उन्हें मास्टर ग्लैंड कहा गया है। इनमें मुख्य रूप से पाइनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि है। इनकी संरचना भी अपने आप में अनोखी है एवं दोनों का ही परस्पर गहन संबंध है। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपको अंत में यह थर्ड आई को कैसे जागृत किया जाए इसके बारे में टिप जरूर दिया जाएगा। जिस ग्रंथि को शरीर विज्ञान पाइनियल कहते हैं, उसे पौराणिक वर्णन के अनुसार तीसरी आंख यानी कि थर्ड आई कहा गया है, जबकि तंत्र और योग शास्त्र में उसे आज्ञा चक्र कहा गया है। शारीरिक दृष्टि से पाइनियल मानव शरीर का सबसे छोटा घटक है। यह 1/4 इंच लंबा और 100 मिलीग्राम भारी होता है। गर्दन और सिर के मिलन बिंदु पर मेरुदंड के ठीक ऊपर स्थित यह ग्रंथि भूमध्य भाग में स्थित मस्तिष्क की दीवार से जुड़ी है। यह आँखों के ठीक ऊपर और माथे के बीचों बीच एक अद्भुत केंद्र है। दोस्तों, वैज्ञानिक रिसर्च मानती है कि इंसान अपने दिमाग का करीब 5-6% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है, यानी दिमाग का करीब 95% हिस्सा ऐसा है जिसे इंसान आज तक काबू में नहीं कर पाया। जरा सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसा शक्ति है जिससे आप अपने दिमाग का 90% इस्तेमाल कर पाए तो क्या होगा? शायद हम वो नहीं रह जाएंगे जो अभी है। विज्ञान की भाषा में समझे तो इसकी ताकत को कुंडली शक्ति कहा गया है। अध्यात्म के नजरिए से देखे तो शरीर के उस शक्ति केंद्र यानी कुंडलिनी का रिश्ता रीढ़ की हड्डी से जुड़ा है। कुंडलिनी शक्ति यानी रीढ़ की हड्डी, इसका जो आकार है वो नाक की तरह है। अध्यात्म में इंसानी शरीर को 7 चक्रों में बांटा गया है और इन्हीं चक्रों में से एक आज्ञा चक्र यानी त्रिनेत्र थर्ड आई चक्र है। अध्यात्म मानता है कि आज्ञा चक्र तभी जागृत होगा जब मूल चक्र को जगाया जाएगा। अब इसे विज्ञान की नजर में देखें तो त्रिनेत्र यानी पाइनियल ग्रैंड ही वो जगह है जहां से इंसान को विचार आते हैं। यही वो जगह है जो नींद के वक्त सपनों की रूपरेखा बनाती है। हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन के बारे में तो आप भी जानते होंगे। अक्सर सम्मोहित करने वाले लोग किसी पेंडुलम के सहारे इंसान को अपने वश में करते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो सम्मोहन में वो पेंडुलम इंसान की उसी पाइनियल ग्लैंड के पास रखा जाता है ताकि इंसान की ऊर्जा उस ग्रंथि पर इकट्ठा हो जाए और फिर इंसान का दिमाग पूरी तरीके से काबू में आ जाए और इस तरह आप सामने वाले के बारे में सब कुछ जान पाएंगे। थर्ड आई के माध्यम से आप आने वाले समय को भी देख सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका सीधा रिश्ता उस त्रिनेत्र थर्ड आई से है। कभी सोचा है कि महिलाएं बिंदी क्यों लगाती है? बिंदी लगाने का रिवाज शुरू ही क्यों हुआ है? अगर गौर करें तो बिंदी उसी जगह पर लगाई जाती है जहां पाइनियल ग्लैंड यानी थर्ड आई मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं का दिमाग चंचल होता है और उसे काबू में करने के लिए लाल बिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, पुरुषों में चंदन का तिलक लगाने की परंपरा भी इसी से जुड़ी है ताकि चंदन की ठंडक से इंसान का त्रिनेत्र काबू में रहे। यानी हमारे रीति रिवाजों में पुरानी परंपराओं में भी त्रिनेत्र की शक्तियों को माना गया है। ये बात अलग है कि हम में से बहुत से लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर तीसरी आंख जागृत कैसे करें? कुंडलिनी शक्ति सक्रिय होगी और अब वो रहस्य आपके सामने आने वाला है। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति से जुड़े बहुत से मिथक है, लेकिन जानकारों की माने तो कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए किसी सीक्रेट साधना की जरूरत नहीं होती। ये जरूरी नहीं कि आपने स्नान किया हो, कोई भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है। किस मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, बस थोड़ा सा योग, थोड़ी सी साधना और विज्ञान की छोटी सी तकनीक
उस दिव्य दृष्टि को जगा सकती है। योग जिसकी ताकत को आप भी पहचानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी योग की एक छोटी सी तकनीक में से ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। बस उसी छोटी सी तकनीक के इस्तेमाल से आप कहीं भी कभी भी कुंडलिनी शक्ति को जगा सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों का पेट एक इंच ऊपर नीचे होता है जब वह सांस लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हृदय से सांस लेने लगते हैं। सर्वश्रेष्ठ सांस अगर कहीं है तो वह नाभि है। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान के मुताबिक अगर शरीर एक मशीन है तो सांसें उस मशीन की चाबी है। अक्सर योग के वक्त हम अपनी सांसों को फेफड़ों तक लाकर ही छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों योग विज्ञान के मुताबिक अगर उन सांसों को शरीर के निचले हिस्से यानी कि मूलाधार चक्र तक, नाभि तक महसूस किया जाए तो इंसान कुंडलिनी शक्तियों को जगाने की तरफ अपना पहला कदम रख सकता है। दोस्तों सारी बॉडी का सिस्टम नाभि पर डिपेंड करता है। सांस लंबी होनी चाहिए, नाभि के नीचे तक सांस आनी चाहिए। रोजाना का सांस लेते समय नाभि तक का सांस आना चाहिए। थोड़ा योग अभ्यास कर ले, अनुलोम विलोम कर ले, मतलब योग के वक्त ध्यान को केंद्रित करना होगा। यह महसूस करना होगा कि हमारे सांसें नाभि के केंद्र तक प्रहार कर रही है। दोस्तों अगर कोई इंसान लगातार इस योग का अभ्यास करे, दिन में कहीं भी कभी भी छोटी सी तकनीक का इस्तेमाल करे तो कुछ वक्त बाद ही इंसान को अपनी शख्सियत में बदलाव महसूस होने लगेगा। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी सारी ऊर्जा माथे के इस केंद्र पर आ रही है। इस योग साधना से ही आपका चक्र जागृत होगा और आप महसूस करेंगे कि आपके दिमाग में सिर्फ वही विचार है जो आप चाहते हैं। दिमाग में सिर्फ वही तस्वीरें उभरेगी जो आप देखना चाहते हैं। आपको दूर की आवाज भी सुनाई देगी। आप किसी इंसान को एक नजर में देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। अगर आपको तरक्की चाहिए तो आपको तरक्की मिल जाएगी। आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा मिल जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। आपका दिमाग सिर्फ वही बोलेगा जो आप सुनना चाहते हैं। यही है वो योग जिसे साधु संतों को करिश्माई शक्तियां दी हैं। यही है वो रहस्य जो दुनिया के हर महामानव की कामयाबी का राज है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिए, और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।